अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नफीसास फ्लेवर। आज मैं आलू पोहा बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस स्नैक्स को आप मिनटों में बना सकते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है, इसे हमारे यहाँ चूड़ा भी बोलते हैं। तो पोहे को थोड़ा पानी डाल करके एक से दो बार अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहे को धो लेने से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया है और उसे इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का आलू हो तो एक ही आलू लें। और अब जो हमने पोहा को धो के रखा था उसे भी इसमें मिला देंगे आलू में। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जो बारीक काट लिया है, और एक गाजर लिया है मैंने, गाजर का साइज़ भी मीडियम साइज़ का था, उसे भी बारीक काट लिया है। और यहाँ पे कैप्सिकम मैंने लिया है, एक बड़े साइज़ का कैप्सिकम था उसका मैंने हाफ कट करके लिया है। और धनिया के पत्ते ले लें भर करके दो से तीन चम्मच। और यहाँ पे मैंने तीन से चार हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर एक तिहाई चम्मच डाला है, और एक चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और चिली फ्लेक्स मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है, और एक चौथाई चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और इन सब को डाल करके ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दें। और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले करके ना इसके बॉल्स बना लेंगे। पहले हाथों से इस तरह से दबा दबा करके उसके बाद फिर दोनों हाथों से इस तरह से बॉल्स बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे तो आपके बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अगर अच्छे से बॉल्स नहीं बने हुए होते हैं ना, तो फिर वो ऑयल में जाने के बाद वो फट जाते हैं। इसलिए पहले पोर्शन को हाथ में लें और उसके बाद फिर उसे हाथों से इस तरह से दबाएं पहले, उसके बाद फिर बॉल्स बनाएं। इसे मैं दो तरह से बना रही हूँ। पहला जो है वो उसे डीप फ्राई करेंगे, और दूसरा जो ऑयल कम खाते हैं उनके लिए है, वो इसे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। ये बॉल्स तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लें फ्राई करने के लिए, और यहाँ पे जो बॉल्स बनाए थे हमने वो बॉल्स को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आसान और डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दूसरी तरह से मैंने इसे उसी पैन में मैंने तेल को पूरा निकाल लिया है, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तेल और ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसे भी निकाल दे रही हूँ। और बस ये जो हमने पोहे का टिक्की बनाया है ना, इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कम तेल में बना हुआ भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। ये स्नैक्स ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इस स्नैक्स को आप टी टाइम के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से ट्राई कीजिए। अपना खूब ख्याल रखें, खाएं खिलाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।